हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुज़ैमी ज़ायका। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फेस्टिवल स्पेशल वेज थाली की रेसिपी, जिसमें मैंने बनाया है मिक्स वेज की सूखी सब्जी, पनीर मटर की सब्जी, मटर पुलाव, साथ ही मज़ेदार सा रायता, मीठे में मोटी वर्मिसल यानी सेवैयाँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। तो बस अब देर नहीं करते हैं, इसे फटाफट से बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पनीर बनाने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाला है। तेल जब हल्का गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, साथ ही इसी में डाल देंगे 6 से 7 काजू और ये जो भी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ उससे कम से कम 4 से 5 लोगों के लिए अच्छे से थाल तैयार हो जाएगी। इसे हम पहले लो फ्लेम पर बस 2 मिनट तक सौटे करेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे जिससे इसे गलने में आसानी हो जाए। अब लिड लगाकर इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे जिससे ये ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मोटी वाली सेवई। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो में रखेंगे और इन्हें ज़्यादा डार्क होने तक फ्राई नहीं करना है। बस जब हल्का कलर आने लगे तब हम इसे एक अलग प्लेट में निकालेंगे। इन फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को हम एक साइड में रख देंगे और इसी घी में हम थोड़ी सी सेवैयाँ डालकर कम से कम बस 1 मिनट तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो में रखेंगे जिससे ये सेवैयाँ जल ना जाएं। जिन्हें ये सेवैयाँ पसंद नहीं हैं वो इसकी जगह पर खीर भी बना सकते हैं। तो अगर खीर का वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको खीर का वीडियो भी मिल जाएगा। फिर इन सेवैयों में हम डाल देंगे दूध। दूध मैंने 1 लीटर के करीब यूज़ किया है और बाकी का दूध थोड़ा रुक के भी हम इसमें डालेंगे। साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे उन्हें भी हम इसी में ऐड कर देंगे, बस थोड़े से बचा लेंगे। वे ड्राई फ्रूट्स हमारे बाद में ऊपर से गार्निशिंग के काम में आएंगे। अब इन सेवैयों को थोड़ी देर तक, जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता, हम चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा तो हम मीडियम टू लो में कर देंगे और इन्हें बस 1 मिनट तक लिड लगाकर पकने देंगे। लिड हटाकर हम सेवैयों को चेक करेंगे, सेवैयाँ अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, और चीनी डालने के बाद भी इसे पकाना होता है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो इसमें थोड़ा दूध और ऐड कर दें और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक फिर से पकने दें। साथ ही इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे ज़ाफ़रान और इलायची पाउडर।
सिवैयों को पकते पकते जब हमें ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ गई है, तो बस हम लिड लगाकर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे जिससे ये ठंडी हो जाए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि खीर थोड़ी सी ठंडी ही अच्छी लगती है। अब फिर से नेक्स्ट तैयारी की तरफ। तो जो प्याज और टमाटर मैंने पकाया था वो अब ठंडा हो चुका है, तो उसे हम सारा एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद इस पेस्ट को हम एक साइड में रख देंगे, तब तक हम पनीर कट कर लेते हैं। तो पनीर मैंने लिया है 250 ग्राम, इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसके पीसेस हम कट करेंगे। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे तेल, और तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें जो मैंने पेस्ट तैयार किया था उसे हम सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। मिक्सर के जार में जो पेस्ट लगा रह जाता है उसमें पानी डाल के उसे भी हम साफ करके इसी में डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो में रखेंगे और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा और अच्छा कलर लाने के लिए इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे भूनते रहेंगे, और इन्हें हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक तेल मसाले से सेपरेट ना हो जाए। तो ऐसा करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। तो ये देखिए, तेल मसाले से अलग हो चुका है। अब हम इसे में ऐड कर देंगे 1/2 कप मटर, ये फ्रोज़न मटर है। इन्हें ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो उसे पहले से बॉईल कर लें, तब इसमें ऐड करें। बस 1 मिनट तक चम्मच को चलाते हुए इन मटर को भी भून लेंगे। उसके बाद हम फेटा हुआ थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। मैंने लिया है कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून फेटा हुआ दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालने के बाद फौरन चम्मच चलाते हुए इसे भी भून लें, नहीं तो दही फट जाता है। अब हम इसी में ऐड कर देंगे कटी हुई पनीर। पनीर को भी हल्की चम्मच चलाते हुए इन्हीं सब मसालों में मिक्स कर लेंगे। ज्यादा तेज से चम्मच नहीं चलाना है, वरना पनीर बहुत जल्दी टूट जाती है। अब हम इसी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम पानी का यूज़ करेंगे।
अब इसी में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ से मसलते हुए डालेंगे और साथ ही 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसे भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो में रखेंगे। अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 2 or 3 टेबल स्पून क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है, दूध के ऊपर की निकाली हुई। अगर आपके पास दूध के ऊपर की मलाई नहीं है यानी क्रीम नहीं है, तो आप इसकी जगह पर बाहर की खरीदी हुई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको डालने के बाद पनीर में हमारी बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा। तो अब हम लीड लगाकर लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे रख देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस ग्रेवी को भी एक साइड में रख देंगे। पनीर की ग्रेवी भी हमारी तैयार हो गई है। तो इसे साइड में रखने के बाद हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बोल लिया है, उसमें हम ले लेंगे 1 कप के करीब बासमती चावल। इन बासमती चावल को हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे, फिर इसमें इतना पानी डालेंगे जिससे ये अच्छे से सोख हो जाए और इसे कम से कम हम 15 मिनट के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। जब तक चावल हमारे सोख हो रहे होंगे, तब तक हम फटाफट से मिक्स वेज की सब्ज़ी बना लेंगे, क्योंकि उसकी तैयारी मैंने पहले से ही कर ली थी तो बनाने में तो बिल्कुल देर नहीं लगती है। तो उसके लिए भी एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 2 or 3 टेबल स्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई 2 मीडियम साइज की प्याज, साथ ही 1 टीस्पून जीरा, अब प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए प्याज में हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 मीडियम साइज के छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए आलू, 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च, साथ ही कुछ मसाले भी इसमें ऐड करेंगे, जैसे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और इन्हें 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इस सब्ज़ी को पकाने में पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, तो बस लीड लगा देंगे और गैस की फ्लेम को लो में कर देंगे और इसे धीरे धीरे पकने देंगे। बीच बीच में चेक करते जाएंगे। तो जब तक सब्ज़ी पक रही है तो मैंने टमाटर कट कर लिए। टमाटर को एकदम छोटे छोटे पीसेस में काटना है। किसी भी ग्रेवी में या सब्ज़ी में अगर मुझे उसे कढ़ाई या फ्राई पैन में बनाना होता है तो मैं टमाटर पहले से नहीं डालती हूँ, क्योंकि टमाटर डालने के बाद जो आलू होते हैं तो वो देर से गलते हैं। सब्ज़ी को भी बीच बीच में चेक करते जाएंगे और जब हमें लगेगा कि आलू 80% तक पक गए हैं तो लिड हटाकर ये टमाटर उसी में हम ऐड कर देंगे। तो टमाटर कट गए हैं तो चलते हैं सब्ज़ी को चेक करते हैं। अगर आलू 80% तक गल गए होंगे तो हम टमाटर को इसी वक्त इसी में ऐड कर देंगे।
फिर से लिड लगाकर इसे हम एक से दो मिनट तक और पकने देंगे, जिससे टमाटर भी अच्छे से गल जाए। फिर लिड हटाकर इसे भी सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे। इस तरीके की सब्ज़ी आप बच्चों के या बड़ों की टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, तो ये टिफ़िन के लिए भी बहुत बेस्ट होती है। सब्जी जो कि तैयार हो गई है, तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। और हरे धनिया को भी मिक्स करके इसे भी हम एक साइड में रख देंगे। अब दूसरा पॉट लेते हैं, जिसमें हमें चावल बनाने हैं। तो उसके लिए हमें करना ये है कि उसमें भी हम डाल देंगे हाफ कप तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा, उसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। इसी प्याज में कुछ गरम मसाले डाल देंगे, जैसे 8 से 10 काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, दालचीनी, 2 से 3 हरी इलायची, साथ ही लौंग, साथ ही तेज़पत्ता। तो प्याज को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो मैंने गरम मसाले दिखाए थे वो भी इसी वक्त ही ऐड करेंगे। इसे हम 8 से 10 सेकंड के लिए भूनेंगे, जिससे लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसी वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रोज़न मटर। ये मटर 1 कप के करीब है। अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप उसका यूज़ ना करें, बस डायरेक्ट पानी डाल दें। तो मटर डालने के बाद भी इसे बस कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। पानी एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी चावल हमारे सोक किए हुए हैं। तो चावल डालने के बाद अगर ज़रूरत लगती है तो पानी और ऐड करेंगे, वरना इतने में ही ये चावल बन जाएंगे। तो अब चम्मच चलाते हुए चावलों को हम बराबर कर लेंगे। इसके बाद चेक करेंगे कि पानी की ज़रूरत और है कि नहीं है। तो मुझे लगता है पानी की थोड़ी और ज़रूरत है, इसलिए हम इसमें बस इतना पानी ऐड करेंगे कि चावलों से थोड़ा सा ये ऊपर आ जाए, और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे। इस वक्त गैस की फ्लेम को हाई पे रखेंगे, जब तक एक बॉयल ना आ जाए। उसके बाद मीडियम फ्लेम में कर देंगे कि चावलों से 80% तक पानी, जब तक कम ना हो जाए। आप जानते ही हैं कि चावलों को मैं आधी टाइम तक ऐसे ही खुले में पकाती हूँ। तो जब लगता है कि 80% तक पानी कम हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो में कर देंगे और लिड लगाकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम में रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चावलों को चेक करेंगे। तो हमारा मटर पुलाव बहुत अच्छे से खिला खिला सा तैयार हो गया है। अब लिड लगाकर इसे भी हम एक साइड में रख देंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे रायते की। तो मैंने बनाया है बूंदी का रायता, तो उसके लिए हम गाढ़ा गाढ़ा सा दही लेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इसे हम फेंट लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे काला नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और साथ ही लाल मिर्च पाउडर, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे। बारीक कटी हुई हरी धनिया, इन सभी को पहले अच्छे से मिला लेंगे। दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, क्योंकि जब हम बूंदी डालेंगे तो वो भी पानी सोख करती हैं।
तो इसलिए बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बूंदी। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस रायते में हम कुछ आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डालने का फायदा ये है कि अगर जैसे आजकल गर्मी है तो गर्मी में अगर आइस क्यूब हम डाल देते हैं तो दही हमारा खट्टा नहीं होता है और बूंदी का जो रायता है यानी बूंदी भी ख़राब नहीं होती है। अब सब कुछ तैयार होने के बाद बस लास्ट स्टेज पर हम आ गए हैं यानी पूड़ी का। तो पूड़ी बनाने के लिए मैंने नॉर्मल आटा लिया है। तो उसके लिए जब 4 से 5 लोगों का की पूड़ी बनाने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आटा लेंगे। नॉर्मल आटे में मैंने थोड़ा सा मैदा मिला लिया है जिससे पूड़ियाँ क्रिस्पी हों। इसमें हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ी अजवाइन। अब इन सभी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे का एक हम टाइट डो बना लेंगे। टाइट का मतलब है कि वो इतना भी टाइट ना हो लेकिन जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो इस तरीके का ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। तो बस थोड़ा सा तेल लगाकर इसको और सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद इसे हम एक साइड में रख देंगे। पूड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा गहरी एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डाल देंगे तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। गैस की फ्लेम को हाई में रखेंगे। अब हम जितनी बड़ी बड़ी हमें पूड़ियाँ बनानी हैं तो उतने बड़े बड़े बॉल्स हम बना लेंगे और इनकी हम पूड़ियाँ तैयार करेंगे। ज़्यादातर लोगों में एक प्रॉब्लम होती है कि जिस तेल में वो पूड़ी बनाते हैं उसका तेल ख़राब होने लगता है यानी काला पड़ने लगता है। तो करना ये है कि जो पूड़ियाँ हम बेलते हैं कुछ लोग उसमें आटा लगाकर बेलते हैं, तो आप आटा ना लगाएं, उसमें तेल से ही वो बेलें तो आपका तेल ख़राब नहीं होगा। मैं पूड़ी बनाने में किसी भी तरीके का कोई भी सूखा आटा नहीं लगाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से पूड़ियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। तेल भी गर्म हो चुका है तो बस एक एक करके पूड़ियाँ हम इसमें तल लेंगे। तो पूड़ी हमारी गर्मा गर्म तैयार होने लगी हैं। तो अब हमें करना ये है कि हम थाली भी तैयार कर लेंगे ताकि गेस्ट के सामने एकदम गर्मा गर्म पूड़ी सर्व कर सकें। तो चलिए फटाफट से अब हम थाली भी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मटर पुलाव से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मटर पुलाव को सेट कर दिया है। इसके बाद पनीर और मटर की सब्ज़ी। अलग बोल में मिक्स वेज। बूंदी का रायता।
एक बॉल में मीठी सेवइयाँ, ये तो मेरे यहाँ पर सबका फेवरेट है। सेवई की बॉल में ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे। साथ ही मेरे पास ये दो गुलाब जामुन बने हुए थे, इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन चूंकि ये पहले से बने हुए रखे हुए थे इसलिए मैंने इनको भी सर्व कर दिया। थोड़ा सा अचार, ये तो किसी भी वेज थाली की जान होती है। साथ ही पापड़, पापड़ के बाद बस गर्मा गर्म पूड़ी निकालते जाइए और सर्व करते जाइए। तो आपको भी ये थाली देखकर भूख लगी कि नहीं लगी? हम सबको तो देखकर बहुत भूख लग रही है, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी होती है तो वो खाने में भी अच्छी होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से पूरी थाल हमारी तैयार हो गई है। इस तरीके की थाली का वीडियो मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ, बहुत मेहनत लगी थी। अगर आप लोगों को भी ये मेरी मेहनत अच्छी लगी या मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हुज़ैमी ज़ायका को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।